अस्सलाम वालेकुम हमारी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारी व्यूअर्स, हमारी यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुमामीन। और जो कोई भी तकलीफ़ में है या परेशानी में है, अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ें दूर करें और परेशानियां हल फरमाएँ। आमीन सुमामीन। सबके लिए दुआएं करनी चाहिए, आप हमारे लिए दुआएं करें, हम आपके लिए दुआएं करते हैं, किसी की भी दुआ कबूल हो सकती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी तो प्यारे मेहमान, बच्चे कर रहे थे ज़िद अपने अबू से, कह रहे थे अबू हमने मच्छी खानी है। और ये देखिए आज हम बना रहे हैं माशाल्लाह से मछली पहली बार घर में। हमने सोचा क्यों ना हम अपनी YouTube फैमिली से भी शेयर करते चलें, बस क्योंकि पहले ये जो मसाले बनाए हैं अपने देखा घुल गए हैं बिल्कुल। ये मैंने ना ग्राइंडर मशीन में प्याज हरी मिर्च यानी जो भी मसाले होते हैं वो मैंने पीस के ना साथ ही डाल दिए थे कढ़ाई में, और साथ डाल दिया था, सारा सारा घुल गया माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत लग रहा था। व्यूअर्स, मैं आपकी चैनल पर जाती हूँ जिन्होंने माशाल्लाह से एक खाने वाले चैनल बनाए होते हैं, उनमें इतने प्यारे प्यारे खाने बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगते हैं। और वैसे तो आपको हर चीज़ बनानी आती है, हमने सोचा हम आपसे भी शेयर कर लें। मछली के जो सारे मसाले थे वो मैंने सारे बना के इसमें डाल दिए, यानी एक ही दफ़ा घी में मसाले डाले और इनको अच्छी तरह से पकाया, मसाला अच्छा बन गया था। आपने बताना है मछली कैसी बनी है। कलर तो इसका माशाल्लाह से बहुत अच्छा आ गया है, ये देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत भी लग रही है। कोई चीज़ भी है दिल से बनाई जाए तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी पकती है। और अभी मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, हरा धनिया जो कि मैंने काट लिया है। और ये देखिए हरा धनिया डालने से माशाल्लाह से खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। फिर मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें।